बॉलीवुड के पहले सुपर स्टार या यूं कह लीजिए राजेश खन्ना साहेब। राजेश खन्ना साहेब बिना किसी शक के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री न सिर्फ दिग्गज एक्टर भी थे बल्कि उन्होंने बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है। एक दौर था जब राजेश खन्ना साहेब के फैंस उनके इस कदर दीवाने थे कि सैकड़ों हजारों की भीड़ उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी। राजेश खन्ना साहब के लिए फीमेल फैंस की दीवानगी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी सफ़ेद गाड़ी लिपस्टिक से लाल हो जाती थी। यह आज हम इस वीडियो में आपको राजेश खन्ना साहब के एक बेहद दिलचस्प किस्सा बताएंगे। साल 1966 में फिल्म आखिरी खत से राजेश खन्ना साहब अपने करियर की शुरुआत किए थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना साहब ने एक के बाद एक 15 बम्पर हिट फिल्में दिए जिसके बाद बॉलीवुड में काका का स्टारडम का सिक्का चलने लगा था। हालांकि राजेश खन्ना साहब का यह रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है, लेकिन एक बार एक्टर राजेश खन्ना के सिर से स्टारडम का नशा उतारने के लिए उन्हें तमाचा भी जर दिया था। दरअसल उस दौर में मशहूर कॉमेडियन मोहम्मद बॉलीवुड की एक दमदार शख्सियत बन चुके थे। एक्टिंग के बाद महमूद ने निर्देशन और फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। महमूद ने राजेश खन्ना साहेब और ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी के साथ लेकर साल 1979 में एक फिल्म जनता हवलदार बनाए थे। इस फिल्म का एक हिस्सा महमूद के फार्म हाउस पर भी शूट किया गया था, लेकिन फार्म हाउस पर शूटिंग के दौरान एक बार महमूद के बेटे और राजेश खन्ना साहब के एक दूसरे से टकरा गए। इस दौरान महमूद के बेटे ने राजेश खन्ना साहब को सिर्फ हेलो किया और निकल गए। इस वाक्य से राजेश खन्ना साहब खफा हो गए। उन्हें लगा कि जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं उससे ऐसा रुखा बर्ताव कैसे किया जा सकता है। यह वही जिन्हें लोग कहते हैं काका, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना साहब के दीवानगी कुछ इस कदर क्लियर किया खून से खत लिखकर भेजा करती थी। इस वाक्य के बाद खफा हुए राजेश खन्ना साहब की शूटिंग पर देरी से आने लगी। धीरे धीरे राजेश खन्ना साहब का सेट पर देरी से आने का सिलसिला बढ़ते ही चला गया। राजेश खन्ना साहब हर रोज शूटिंग पर पिछले दिन से ज़्यादा देरी पर आते थे। एक दिन इंतहा हो गया और महमूद को राजेश खन्ना का 2 घंटे तक सेट पर इंतजार करना पड़ा। इसके बाद महमूद का सब्र टूट गया और राजेश खन्ना के सेट पर पहुंचते ही महमूद आग बबूला हो उठे। गर्मा गर्मी में महमूद ने राजेश खन्ना साहब को तमाचा मार दिया। महमूद राजेश खन्ना साहब से बोले कि आप सुपरस्टार होंगे अपने घर में, मैंने पूरा पैसा दिया है तो फिल्म की शूटिंग पूरी करनी ही होगी। इस घटना से राजेश खन्ना साहब सन्न रह गए, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी भी की थी। खैर, आपको यह सुनी किसे कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसी तरह बॉलीवुड के कोई भी अभिनेता अभिनेत्री के बारे में रोचक जानकारियाँ, इंटरेस्टिंग जानकारियाँ या यूँ कह लीजिए अनसुनी किससे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।